अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो आज की सीरियो में मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे जो सा वो जो फाइनल वाइवा है आप लोगों का, उसको कैसे आप प्रीपेयर करो। ठीक है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो फाइनल वाइवा होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो उसमें जब सबसे पहले जब आप जाते हो, तो वो कहते हैं जी अच्छा जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर। तो जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई होती है वो आप ओपन करते हो, ठीक है, और उसमें वो आप कहते हैं जी स्टार्ट करें। तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बताते हो कि मेरा स्टूडेंट आईडी ये है, स्टूडेंट नेम ये है, फिर आगे आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो। जैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, कहते हैं चले ठीक है जी, वो डायग्राम से आप कहते हैं कि इस डायग्राम्स को आप एक्सप्लेन करें जो आपने SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाई होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपने देखना है कि वो डायग्राम में क्या कौन से क्वेश्चन है, तो वो आप ये लर्निंग टेक मेरा चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, आप लर्निंग टेक लिखो, उसके बाद आप सर्च करो तो आपके पास चैनल आ जाएगा। उसके बाद चैनल ओपन करने के बाद आपने प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में यहाँ पे आ रहा है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कम्प्लीट गाइडलाइन, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ डायग्राम्स मैंने बताई हुई है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लास डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है। तो ये सारी डायग्राम्स मैंने इसमें बताई हुई है कि आपने बनानी कैसे है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप देख लें तो आपका सारी जो है डायग्राम्स के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे वो पूछते हैं जी अच्छा जी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, ठीक है। अच्छा, अगर आप बताते हो जी मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है या इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसमें से वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं जी कंप्यूटर से रिलेटेड को आप सब्जेक्ट बताएं। तो कोई भी अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट बताओगे, तो वो जो सर है लास्ट में डेटाबेस में से लास्ट भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी कदर दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा ईजी है। तो अगर आप इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन क्या होते हैं और आपने उनका क्या आंसर करना है। अच्छा, उसमें जब आप फेवरेट सब्जेक्ट बता देते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें से आपसे क्वेश्चनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है डिफाइन एनोमलीज, वो कहते हैं जी एनोमलीज क्या है, तो मैं आपको उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ठीक है, क्वेश्चन को, और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ईजी वे में इसको समझाऊँ कि ये होता क्या है, ठीक है। अब वो कहेंगे जी डिफाइन एनोमली, के एनोमली क्या होती है, ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं वो कंसेप्ट दूंगा, बाकी आंसर आप खुद बना सकते हो। अब कंसेप्ट क्या है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि यार सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही टेबल में स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडिया क्या है, वी वांट टू स्टोर इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वन टेबल, एक ही टेबल में हम सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी क्या है, स्टूडेंट नेम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, फिर किस ब्रांच में वो मतलब हो रहा है, ब्रांच कोड क्या है, ब्रांच का नेम कंप्यूटर साइंस है, और फिर उसके HOD का नाम क्या है, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का क्या नाम है, फिर डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट कोड कर लो और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नेम बताओ, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं एक ही टेबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो एनोमली क्या होती है, एनोमलीज आर दो प्रॉब्लम्स विच कैन अकर इन अ टेबल व्हेन वी डू नॉट नॉर्मलाइज द टेबल, जब हम टेबल को नॉर्मलाइज नहीं करते ना, देन ये प्रॉब्लम अकर होती है। अब मैं ये आगे समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, फिर उसके में क्या चीज़ होती है। अभी आप ये समझें कि एनोमलीज क्या होती है, एनोमलीज वो प्रॉब्लम होती है जो डेटाबेस में अकर करती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी एनोमलीज हैं, वो जी इंसर्ट एनोमली है, डिलीशन एनोमली है, और अपडेशन एनोमली है। अब इंसर्ट एनोमली क्या होती है, अब यहाँ पे देखें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनोमली। तो एनोमलीज क्या होती है, एनोमलीज वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेटाबेस में अकर करती हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो एनोमलीज अकर करेंगी, ठीक है। अब बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और उसे हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंसर्ट एनोमली, कि इंसर्ट एनोमली क्या है, तो इंसर्ट एनोमली क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पर आओ तो व्हेन अ सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इन टू डेटा बेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर डेटा, कहते हैं अदर डेटा प्रेजेंस है लेकिन कुछ डेटा ना होने की वजह से आप इंसर्ट नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल अब देखो स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी एंटर हो रहा है, मतलब स्टूडेंट का आईडी ये है, नेम ये है, एज ये है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रांच की हमें अभी हम ब्रांच बना रहे हैं, स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, अभी हम यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं बनाई है, हमने ब्रांच का कोड असाइन करना है, ब्रांच का नेम असाइन करना है और HOD का नेम असाइन करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया है कि मैं उस वक्त तक डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन न डालूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने एनरोल ही नहीं किया, एडमिशन ही नहीं किए, तो ब्रांच की देखिए इन्फॉर्मेशन मैं उस वक्त तक एंटर नहीं कर सकता डेटा बेस में जब तक कि मेरे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इंसर्ट एनोमली आ गई, ठीक है। अगर हमारे पास ये टेबल अलग अलग होते तो फिर मेरे प्रॉब्लम होती, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन मैं ब्रांच में दे देता, या डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मैं डिपार्टमेंट में दे देता, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट में देता। लेकिन क्योंकि अब सबकी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में है, तो जब तक कि मैं ब्रांच स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर ना कर लूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं एंटर कर सकता। अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये खाली स्पेस रह जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये इंसर्ट एनोमली, इंसर्ट एनोमली क्या होती है, व्हेन अ सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू अ डेटाबेस
ये एक सर्टेन डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच कोड इंसर्ट नहीं कर सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ, जब तक हमारे पास दूसरा डेटा प्रेजेंट ना हो तो ये इंसर्ट ना होगी। अच्छा नीड नॉर्मली क्या है, इफ यू वांट टू डिलीट डेटा बट इट कैन कॉज टू डिलीट डेटा डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देखें कि डिलीट नॉर्मली यहाँ पर कैसे आ सकती है, कि आप ये देखें कि अभी हमारे पास अगर इस टेबल में ठीक है एक ही स्टूडेंट है ठीक है, और डिपार्टमेंट तो हमारे पास है, लेकिन एक स्टूडेंट का डेटा अगर हम डिलीट करते हैं तो साथ साथ डिपार्टमेंट का डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हम जस्ट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल एक ही स्टूडेंट का डेटा यहाँ पड़ा हुआ है ठीक है, हम कहते हैं स्टूडेंट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, स्टॉक ऑफ करना चाह रहे हैं, जो भी है हम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डिलीट करते हैं। अब क्योंकि डेटा एक ही है, आप समझिए एक ही रो है, तो साथ साथ क्या होता है, साथ जनाब ये ब्रांच की इन्फॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, साथ पूरी डिलीट हो जाती है। तो ये क्या डिलीट नॉर्मल, कि हम जो डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं उसके साथ साथ वो डेटा भी डिलीट हो रहा है जिसको हम डिलीट करना नहीं चाह रहे, तो ये भी डिलीट अनोमली आती है ठीक है। अच्छा अब अपडेटिंग अनोमली क्या होती है, अपडेटिंग अनोमली क्या है, वी वांट टू अपडेट अ सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू बट इट कैन बी डन एट ऑल वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट। अच्छा अब अपडेटिंग अनोमली में क्या इशू है, कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि इसमें अब ये टेबल है हमारे पास ठीक है, इस पे अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने सिर्फ एक डेटा को चेंज करना है ठीक है, मैं कहता हूँ कि HOD जोन से हमारे डिपार्टमेंट का फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट का चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मैंने सिर्फ एक जगह पे अपडेट करना चाह रहा हूँ, और मतलब अब मुझे हर जगह पे क्या करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है, समझा गया। मैं कहता हूँ एक एक चीज़ तो एक अपडेट करनी है, सिर्फ HOD का नाम चेंज करना है, लेकिन अब जहाँ जहाँ पे HOD का नाम होगा तमाम जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सब जगह पे चेंज करना पड़ रहा है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, अपडेट अनोमली आ रही है, कि हम क्या एक को चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन उस एक की वजह से मुझे हर जगह क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ा, और किसी एक जगह पे अगर चेंज करना रह गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये क्या होती है अपडेट अनोमली, और ये अनोमलीज क्यों पेश आती हैं, कि हम जब से क्या करें, हम सारा का सारा डेटा जितना भी है वो एक टेबल में रख दें ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब देखें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप, अच्छा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एनोमलीज, ये तो यही चीज़ आ गई ना, इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीट एनोमली, यही है, यही एनोमलीज की टाइप्स है ठीक है। अच्छा आगे आ गया जी, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन जो हम सी है वो क्या है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, कि एक टेबल को डिकम्पोज करने को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, कि एक टेबल को हम डिकम्पोज करते हैं एक से ज़्यादा टेबल में, हम कह सकते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारा आइडिया क्या था, हमने कहा सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में रख दो, अब सारी इन्फॉर्मेशन क्या, मतलब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख दो, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन रख दो, और भी अगर कोई हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन, सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम क्या करें एक ही टेबल में रख दे, तो उससे प्रॉब्लम मैंने बताया कि ढेर सारे प्रॉब्लम, इंसर्ट एनोमली आ गई, डिलीशन एनोमली आ गई, अपडेशन एनोमली। तो अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि हम कहते हैं ये स्टूडेंट के टेबल को अलहदा बना दो, ब्रांच के टेबल को अलहदा बना दो, और बाकी अगर कुछ है और इन्फॉर्मेशन है तो उनका अगर अलहदा टेबल बनता है तो उनका अलहदा टेबल बना लो ठीक है, ताकि इससे क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, कि अगर हम ब्रांच की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट नहीं भी है तो इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं तो जिस जो इन्फॉर्मेशन है उस टेबल में से डिलीट कर देंगे, और अपडेट अभी इसी तरह, तो कोई इशू नहीं होगा। तो जो हम ये अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि हर एंटिटी का या हर का कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट में, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन ब्रांच में, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ठीक है। तो हम इसकी अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, नॉर्मलाइजेशन क्या, नॉर्मलाइजेशन डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिपेंडेंस। अच्छा फंक्शन डिपेंडेंस की हम आगे बात करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, बस आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मीन द डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, कि टेबल को डिकम्पोज करने का नाम क्या है, नॉर्मलाइजेशन ठीक हो गया। अच्छा जी अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, अच्छा जी वट, फिर आप नॉर्मलाइजेशन आती है, फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, और BCNF ठीक है, बायस कोड नॉर्मलाइजेशन ठीक है। अच्छा अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF ठीक है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, कि एक टेबल आपको दिया हुआ है ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए,
कि एवरी सेल मस्ट हैव अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू। बेसिकली ये चीज़ होती है कि हर सेल में क्या होनी चाहिए, सिंगल एटॉमिक। अब एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि एक सिंगल वैल्यू। अब देखिए अली रजा, अली रजा एक सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू मीन कि एक ही पर्सन का नाम है अली और रजा, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए डेटाबेस और असेंबली। डेटाबेस एक और सब्जेक्ट है और असेंबली क्या है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम इस टेबल को देख कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि क्या इशू यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। एटॉमिक वैल्यू मीन कि एक ही रिलेटेड हो। अब अली रजा एक ही स्टूडेंट का नाम है तो ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन डेटाबेस असेंबली अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये नॉर्मल, ये अब फर्स्ट नंबर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये भी सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, और ये भी क्या है एटॉमिक, एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू आप कहते हैं, ये भी एटॉमिक वैल्यू। अब देखें आप ये नहीं कहना कि अली और रजा ये तो दो वैल्यू, दो वैल्यू नहीं, क्योंकि अली और रजा एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है। जब अली और रजा एक ही पर्सन का नाम है तो ये एटॉमिक वैल्यू ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर फॉर्म है। तो फर्स्ट नंबर फॉर्म की कंडीशन क्या है कि हर सेल की क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और एवरी कॉलम मस्ट हैव यूनिक, बस इसका नाम यूनिक होना चाहिए, यूनिक मतलब डिफरेंट नेम होना चाहिए। और एवरी कॉलम मस्ट हैव सेम डोमेन वैल्यूज, तो हर कॉलम की डोमेन वैल्यूज सेम होनी। फॉर एग्जाम्पल नेम अली रजा है, अब इसकी जो वैल्यूज है अगर वो अल्फाबेट्स में है तो इसमें अब डिजिट कोई नहीं आ सकता, फिर सारी अल्फाबेट्स में ही होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रो डजंट मैटर, मतलब ऑर्डर ऑफ रो नीचे वाली ऊपर रख दो, ऊपर वाली नीचे रख दो, कोई इशू नहीं। और ऑर्डर ऑफ कॉलम डजंट मैटर, ये वाला कॉलम इधर लिख लूँ, ये वाला कॉलम इधर लिख लूँ, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये है फर्स्ट नंबर फॉर्म। अब आते हैं जी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये कीज़ के कंसेप्ट में जब आपको समझाऊंगा तो देना आपको इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है अगर कीज़ के कंसेप्ट आ रहा है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम ये क्या कहते हैं कि इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? पार्शियल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये एक टेबल था, ठीक है, और उस टेबल में फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कहा कि तो इसको नीचे कर लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि असल में ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF, इनकी आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी जब तक आपको कीज़ का कंसेप्ट नहीं है। तो मैं आपको पहले कीज़ का कंसेप्ट दे देता हूँ, देन मैं दोबारा यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं कीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि कीज़ जो सी हैं वो क्या चीज़। यहाँ बेसिकली की डेफिनेशन क्या है कि बेसिकली की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और टपल इन अ रिलेशनल टेबल। रिलेशनल टेबल मतलब टेबल में से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि की वो एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी रो को। फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने एक डेटाबेस में ओपन करता हूँ, ये एक टेबल है, ठीक है। वो कह रहा है कि अब की क्या होती है, वो कहता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है या एक ऐसा कॉलम का नेम आप कह सकते हैं जो कि एक पूरी रो को क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, फाइंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक टेबल है उसमें एक एम्प्लॉय का नेम है अली, तो क्या अली की हो सकता है? तो अली की नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय बहुत सारे हों और उसमें हो सकता है अली एक से ज़्यादा हो। तो मैं जब अली फाइंड करूंगा तो अली जो उनसे हैं वो तो ज़्यादा रिकॉर्ड शो करने शुरू। क्या जेंडर के बेस पे मैं कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेल कर रहा हूँ तो मेल तो बहुत सारे होंगे, फीमेल है तो फीमेल भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। तो मुझे एक इसमें से ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढना है जो कि क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो एम्प्लॉई आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर हम ऐड कर लें तो वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो दूसरे का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा हर एम्प्लॉय का यूनिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक है, जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो अगर एम्प्लॉय आईडी 2 है, ठीक है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी 2 है तो किसी और कोई आईडी असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट की बेस पे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई पूरी रो को कर सकता हूँ, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इज अ मतलब सॉरी की क्या है, की बेसिकली इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब एक या दो, दो या दो, एक दो तीन तीन चार एट्रीब्यूट्स को भी मिलाकर हम की बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जहाँ सिंगल की बात करें तो की बेसिकली की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और टपल इन अ रिलेशन टेबल। रो और टपल एक ही चीज़ होती है, मतलब रो ये एक रो है, रो को हम टपल भी कहते हैं, ठीक है।
तो की बेसिकली क्या है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो, उसको हम क्या कहते हैं कि की है। अब उसके मुख्तलिफ क्या है, टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है। अब सुपर की क्या होती है, बेसिकली की डेफिनेशन ही सुपर की डेफिनेशन है, कोई अलहदा नहीं है। तो सुपर की क्या होती है, सुपर की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो टपल और रो इन अ रिलेशनल टेबल। तो सुपर की डेफिनेशन ही क्या है, की डेफिनेशन है। और कैंडिडेट की क्या होती है, बेसिकली उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एफिशिएंट वर्जन ऑफ सुपर की, कि सुपर की का जो एफिशिएंट वर्जन होता है उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। इसको मैं इस तरह आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ, क्योंकि देखें इस पे मुख्तलिफ हमारे पास कीज होती हैं जिसकी बेस पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है और उसके ऊपर हमारे पास कॉलम है, या इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, कि एम्प्लॉय आईडी है एक, जनाब हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जेंडर है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स आ जाए कि जिनको हम क्या करें, दो या दो से ज़्यादा कोई एट्रीब्यूट्स हो उनको मिलकर अगर हम एक रो को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, हो सकता है ऐसे। और ऐसे भी हो सकता है कि दो एट्रीब्यूट से मिलकर भी हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, और ऐसे भी हो सकता है कि हम किसी एक एट्रीब्यूट की बेस पर पूरी रो को हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये तमाम क्या होंगी बेसिकली, ये तमाम क्या है, सुपर की है। सुपर क्यों की क्यों है, क्योंकि सुपर की वो की होती है जो कि पूरी रो को क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कैंडिडेट की क्या होती है, कि एफिशिएंट वर्जन ऑफ सुपर की, के सुपर की का जो एफिशिएंट वर्जन होता है वो कैंडिडेट। और एफिशिएंट वर्जन क्या है कि जब एक ही एट्रीब्यूट से हम पूरी रो को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता हो, कहता है जी अच्छा मुझे बताएं जी आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, और फिर जाके उसको कोई चीज़ एक फाइंड करके बताया कि ये जी आप फाइंड किए। अगर वो सिंपल यही पूछ ले कि भाई आपका आईडी क्या है, तो आईडी की बेस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनसे है वो निकाल लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैंडिडेट की क्या है, बेसिकली कैंडिडेट की क्या है कि सुपर की का एफिशिएंट वर्जन, मतलब सुपर की क्या हो सकता है कि एक ही से भी मैं फाइंड कर सकता हूँ रिकॉर्ड, और ऐसे भी हो सकता है कि मैं दो या तीन एट्रीब्यूट से मिलाकर भी एक की बनाऊँ और उसकी बेस पे भी मैं एक रिकॉर्ड को क्या कर सकूँ, फाइंड कर सकूँ। तो इनमें से बेहतर क्या है कि मेरे पास अगर एक ही एक ही एट्रीब्यूट की बेस पे अगर मैं पूरा रिकॉर्ड फाइंड कर पा रहा हूँ, तो वो क्या है, वो एफिशिएंट वर्जन है। सुपर की तो है, क्योंकि सुपर की तो होती की वो है जिसकी बेस पे हम पूरा रिकॉर्ड क्या करते हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो और कैंडिडेट की क्या है, उस सुपर की का जो एफिशिएंट वर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये कैंडिडेट की है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है हमारे पास के प्राइमरी की क्या है। अब प्राइमरी की बेसिकली क्या है कि एक सिस्टम के अंदर हम एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, ठीक है। तो उस कैंडिडेट की में से, उन कैंडिडेट की में से जिस कैंडिडेट की को डेटा एडमिनिस्ट्रेटर उसको एज अ प्राइमरी की यूज़ करना चाहे तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की में से किसी एक की को भी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी से, इसके ऊपर कोई उसका क्राइटेरिया, उसकी अपनी मर्जी है कि कैंडिडेट की में से क्या कर सकता है, कि कैंडिडेट की में से जिस की को वो चूज़ करता है उस की को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। और प्राइमरी की के क्या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि ये नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। मीन ये कि कभी आप इसको अगर आप रो को ऐड करते हो तो आपको लाजमी की के अंदर कोई डेटा वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो एम्प्लॉय आईडी कभी भी, मतलब मैं नेम भी लिख देता हूँ, एम्प्लॉय जेंडर भी लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी सारा कुछ लिख देता हूँ, लेकिन मैं अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखता तो वो रो एंटर नहीं होगी, वो कहेगा जी काइंडली एंटर द रो, क्योंकि अगर मैंने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है तो, ठीक है। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है कि द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर चूज द प्राइमरी की फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट की में से किसी की को भी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एज अ प्राइमरी की क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। सुपर की भी एक से ज़्यादा हो सकती है, कैंडिडेट की भी एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी की है वो हमेशा एक टेबल में एक ही रहेगी, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था जी सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक होती है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होती है कि जिन कैंडिडेट की में से, ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि एक टेबल में एक से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, कैंडिडेट की हो सकती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। तो इन कैंडिडेट की में से डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ही को तो यूज चूज करता है प्राइमरी की, तो जो बाकी कैंडिडेट की बच गई हैं उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो अल्टरनेट की है।
अल्टरनेट की को आप कह सकते हो कि वो कीज, वो कैंडिडेट कीज जो कि प्राइमरी की नहीं बनी, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या चीज़ है कि कैंडिडेट की में से जिस की को डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एज ए प्राइमरी की यूज कर ले वो प्राइमरी की बन जाती है, और जो बाकी कैंडिडेट की बच जाती हैं उन कैंडिडेट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट की। तो ये है जी डेफिनेशन अल्टरनेट की। अब कंपोजिट की क्या होती है, कंपोजिट की वो की होती है जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे अभी सिंपल एक एम्प्लॉय आईडी बात की, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ नहीं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, इन दो एट्रीब्यूट को मिलाकर मैं की बनाता हूँ। की मीन कि इन दो, जब जो चीज़ें मेरे पास होंगी तो फिर मैं रिकॉर्ड को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो इस वो एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं कि कंपोजिट की वो की होती है जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर की बनाई जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की। ठीक है, तो ये कंपोजिट की थी बात। तो ये थी जी कीज के बारे में। अब मैं आता हूँ जी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन मैं आपको पहले डिफाइन कर सकता हूँ कि वो क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कि हर सेल में वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि टेबल एटॉमिक वैल्यू। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम ये कहते हैं कि इसके अंदर आप कह सकते हो कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए जी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने की बनाई हुई है कंपोजिट की, अब बात आपने ध्यान से सुनिए कि अगर मैंने क्या बनाई हुई है कंपोजिट की, क्या क्या मतलब, एक मैंने बनाया हुआ है कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी हो और दूसरा मैंने बनाया हुआ है जी मेरे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी हो, ये दो मेरे पास इंफॉर्मेशन हो, इन दोनों को मिला के मैंने की बनाया हुआ है, ठीक है, और ये दो इन्फॉर्मेशन हो तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर अब होना क्या चाहिए कि ये दो इन्फॉर्मेशन होंगी तो मैं किसी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी दोनों को मिला के की बनाई हुई है, लेकिन देखें मेरे पास अगर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी हो तो क्या मैं एम्प्लॉय का नेम नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय आईडी बना मिले, तो क्या मैं एम्प्लॉय आईडी की वजह से एम्प्लॉय जेंडर नहीं निकाल सकता, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। तो उसका मतलब है कि ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है इसमें, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि मुकम्मल की पे डिपेंडेंट नहीं है रो, सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी पे ही क्या है ये डिपेंडेंट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि मैंने कंपोजिट की के थ्रू एक की बनाई हुई है, ठीक है, तो किसी एक एट्रीब्यूट की बेस पे कोई रिकॉर्ड फाइंड नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए कि दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मेरे पास हो तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर इस तरह नहीं हो रहा, जिस तरह मेरे टेबल में है, तो इसका मतलब है मेरा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो की है वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर है, अगर हमारी की जो सी है वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर बेस कर रही है, तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। वो अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका है ही सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे आईडी है। जब एक ही एट्रीब्यूट पे आईडी है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी उस वक्त होगी जब हमारी की जो सी है वो दो एट्रीब्यूट से या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही होगी, और हम किसी एक एट्रीब्यूट की बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। जब तक पार्शियल डिपेंडेंसी है हमारे टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ सकता। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। और अगर हमारे टेबल में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर की है तो वो हमारा टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये है जी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आप सिंपल इसे कह सकते हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म द टेबल इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ देर इज नो पार्शियल, इफ देर इज नो सॉरी इफ देर इज नो हाँ इफ देर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर फॉर्म क्या है, थर्ड नंबर फॉर्म बेसिकली क्या है कि आपके पास इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले थर्ड नंबर फॉर्म के लिए क्या है कि टेबल को क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर फॉर्म में और सेकेंड नंबर फॉर्म में, फर्स्ट और सेकेंड नंबर फॉर्म में होना जरूरी है। और फिर उसकी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होती है कि देखिए यह एक मैंने टेबल बनाया हुआ है,
एम्प्लॉय आईडी से मैं निकालूंगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी से मैं निकाल दूंगा सेल्स। तो पहले मैंने एम्प्लॉय आईडी मेरे पास था, एम्प्लॉय आईडी से मैंने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी निकाला, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी से फिर मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम निकालूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। एक एट्रीब्यूट से मैंने पहले कोई और एट्रीब्यूट फाइंड किया, और फिर उस एट्रीब्यूट पे मैं आगे एक और एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका मतलब है मेरा ये वाला टेबल अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मुझे क्या करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करना। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का मैं टेबल अलहदा बना दूंगा। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है BCNF। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है BCNF, ठीक है, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो बायस कोड नॉर्मल फॉर्म में क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमारा टेबल किस में होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इन तीनों नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल लाजमी, लाजमी बात है हमारा टेबल अगर थर्ड नंबर फॉर्म है तो लाजमी बात है फर्स्ट और सेकंड में तो है ही सही। तो BCNF के लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले हमारा टेबल किस में हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है, और BCNF की अब अपनी कंडीशन क्या है कि अगर कोई डिपेंडेंसी है ए टू बी, फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय आई डी से एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है, तो एम्प्लॉय आई डी को लाजमी क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। तो ये हमारी BCNF की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय जेंडर से एम्प्लॉय आई डी की तरफ, ठीक है, तो एम्प्लॉय जेंडर को लाजमी क्या होना चाहिए, सुपर। मतलब एक की एक जो एट्रीब्यूट है अगर वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट जो फाइंड करके दे रहा है इस एट्रीब्यूट को लाजमी क्या होना चाहिए, सुपर की। आप इसका कह सकते हो द टेबल इज BCNF इफ फर्स्ट द टेबल इज इन थर्ड नंबर फॉर्म एंड सेकेंड इज दिस इफ देर इज एनी डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू बी देन ए मस्ट बी अ सुपर की। ठीक है, कि अगर ए और बी के सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई एट्रीब्यूट ए किसी दूसरे एट्रीब्यूट बी को फाइंड कर रहा है, तो एट्रीब्यूट ए जो है वो लाजमी क्या हो, एक सुपर की हो। ठीक है, तो वो हमारा टेबल क्या होगा, हमारा टेबल BCNF में होगा। ठीक है, तो इस तरह आप उनको ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, तो कितनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मेन की थी, सॉरी फॉरेन की, ये हमने मिस कर दी। तो फॉरेन की बेसिकली क्या होती है, अब यहाँ पे आप देखें कि अब देखें जरूरत क्या पड़ती है। अब देखें यहाँ पे, देखें हमारा टेबल है एक एम्प्लॉय का और एक है सैलरी का। देखिए, अब एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार ये जो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है, इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारे डेटाबेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हर एंटिटी के लिए अलग टेबल होता है, सैलरी के लिए अलग टेबल होगा, एम्प्लॉय के लिए अलग टेबल होगा, हर चीज़ के लिए अलग टेबल है। अब मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी कितनी है, तो मुझे किसके टेबल में जाना पड़ेगा, सैलरी के टेबल में। लेकिन सैलरी के टेबल में तो सैलरी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस किस्म की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ कि इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी के टेबल पे जाना पड़ेगा। देखिए, मैं सैलरी के टेबल में जाता हूँ, देखिए सैलरी आईडी लिखा हुआ है और ये सैलरी लिखी हुई है 34,000। अब देखिए उसके आगे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एम्प्लॉय आईडी 1 की सैलरी कितनी है, 34,000। और एम्प्लॉय आईडी बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है कौन सा जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें एम्प्लॉय आईडी 1 अली, मतलब अली की जो है उसकी सैलरी कितनी है, 34। अब ये कैसे पता चला कि किसी और टेबल में ये मैंने क्या यूज़ की हुई एज अ प्राइमरी की, ये एम्प्लॉय आईडी क्या है मैंने यूज़ की हुई एज अ प्राइमरी की। अब यही आईडी का रेफरेंस किधर पड़ा हुआ है, सैलरी के टेबल में। अब देखिए सैलरी के टेबल में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो इसके थ्रू मुझे ये फाइंड हो रहा है। ठीक है, इसी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्राइमरी की के थ्रू ही तो मुझे दूसरे टेबल में पता चल रहा है कि इसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक लिंक बन रहा है। तो फॉरन की क्या करती है, बेसिकली फॉरन की क्या होती है, जो आपके टेबल की प्राइमरी की होती है, मतलब एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल की जो प्राइमरी की है वो सैलरी के टेबल में एज अ क्या यूज हो रही है, एज अ फॉरन की। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी है लेकिन ये प्राइमरी की है। लेकिन अगर मैं सैलरी के टेबल में जाऊँ, ये सैलरी का टेबल है, तो सैलरी के टेबल में भी देखिए एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन ये एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरन की यूज हो रही है। तो फॉरन की हम कह सकते हैं, फॉरन की इज अ की
डेट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, कि टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। और दूसरी बात क्या होती है, जब रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है तो फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे रिलेशन दूसरे टेबल में से कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि एम्प्लॉय आईडी की सैलरी क्या है, तो सैलरी के टेबल में जाके मैं एम्प्लॉय आईडी को मैच करूंगा और वहाँ से मुझे उसकी पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये फॉरेन की कंसेप्ट होता है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, अगर हम उसको किसी और टेबल में यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, वहाँ पे फॉरेन की बन जाती है, और उनके दरमियान आपस में क्या बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास आ रही है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, के एक जो होता है क्या कहते हैं रिलेशनशिप, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है वन टू मैनी, वन टू मैनी होता है, वन टू वन होता है, और मैनी टू मैनी, ये तीन रिलेशनशिप होते हैं जो कि हमारे इसमें टेबल में होते हैं। अब ये मैनी टू मैनी और वन टू वन का क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखता हूँ कि एक एम्प्लॉई का टेबल है और एक सैलरी का टेबल है, ठीक है, तो एक एम्प्लॉई में एक एम्प्लॉई जो उनसे है वो के अंदर कितने सैलरी, उसकी एक एम्प्लॉई की जो सैलरी है वो एक ही होगी ना। अब एक एम्प्लॉय की आईडी एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो इस एम्प्लॉय और सैलरी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वन टू वन का। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक टेबल है फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि स्टूडेंट का, और एक टेबल आपके पास है कोर्स का, तो एक स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ता है या ज़्यादा, जैसे आप देखा आप अगर एमसीएस या बीएस का स्टूडेंट, तो आप एक में तो चार पाँच कोर्स पढ़ते हैं, उसका मतलब है कि जो स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ रहा है, तो वो क्या रिलेशनशिप बन गया, वन टू मैनी का। तो इसी तरह मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होगा, कि अगर एक टेबल जो है उसमें हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं स्टूडेंट और कोर्सेज का, तो एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ रहा है, और एक कोर्स को फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस को भी तो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो एक कोर्स को बहुत से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से भी वन टू मैनी बना और यहाँ से भी वन टू मैनी, तो ये रिलेशनशिप क्या बना, मैनी टू मैनी का। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप हमारे पास एक टेबल है ये और एक टेबल है ये, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास कोर्स का और ये टेबल है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का, ठीक है। अब इसके दरमियान फॉर एग्जाम्पल एक मैं वैसी लाइन ड्रा करता हूँ, एक रिलेशनशिप ड्रा करता हूँ। अब देखें एक जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, ठीक है, वो कितने कोर्सेज पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट जो उनसे वो बहुत से कोर्सेज पढ़ रहा होता है, इस तरह वो डेटाबेस भी पढ़ रहा होता है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, उर्दू भी पढ़ रहा है, तो वो बहुत से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। और यहाँ से अगर हम देखें कि एक कोर्स को कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो एक कोर्स को क्या कर रहा होता है, एक कोर्स बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ से भी क्या रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का, यहाँ से भी क्या रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का। अब देखिए यहाँ से भी वन टू मैनी और यहाँ से भी वन टू मैनी, तो इसका मतलब है कि एज ए रिजल्ट क्या रिलेशनशिप बना, मैनी टू मैनी। इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर वन टू, अच्छा ठीक है, मैनी टू मैनी, अगर वन टू मैनी हो, ठीक है, वन टू मैनी हो तो क्या होगा, तो वन टू मैनी में क्या होगा कि एक साइड से वन और दूसरी साइड से मैनी होगा और यहाँ से वन टू वन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वन टू मैनी का रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने के लिए ऐसे करूँ कि एक आप ये समझ लें कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, आप ये समझ लें कि यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रांच मैनेजर, मैं बैंक का ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, बैंक ब्रांच मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी ब्रांच, ठीक है, बैंक की ब्रांच। अब देखिए एक जो ब्रांच मैनेजर है वो कितनी ब्रांचेस को मैनेज करता है, तो एक ब्रांच मैनेजर जो उनसा है वो एक ही ब्रांच को मैनेज करता है ना, उसके बाद एक ही ब्रांच होती है, ठीक हो गया, और एक ब्रांच जोन सी है वो एक ही ब्रांच मैनेजर से क्या हो रही होती है, मैनेज हो रही होती है, तो
इसमें दोनों में क्या लक्ष्य बन गया, 1-2, यहाँ से भी 1-2-1 और यहाँ से भी क्या बन गया 1-2-1 का। तो एज द रिजल्ट क्या बना के लक्ष्य क्या है 1-2-1 का लक्ष्य बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और देखें एग्जाम्पल। अगर एक एरिया मैनेजर है तो एक 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 एरिया मैनेजर सिर्फ एक ब्रांच को मैनेज नहीं कर रहा होता, जबकि एक एरिया मैनेजर के अंडर तकरीबन 10 से 5 से 6 ब्रांचेज होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक एरिया मैनेजर मैनी ब्रांचेज को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, लेकिन एक ब्रांच को एक ही एक एक एरिया मैनेजर मैनेज कर रहा होता। तो यहाँ से क्या बना 1-2-1, तो हम दोनों साइड से देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से 1-2 मैनी है और यहाँ से 1-2-1 है। तो एज अ रिजल्ट क्या रिलेशनशिप बना 1-2 मैनी का। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 किस्म के रिलेशनशिप होते हैं जिनको हम जो है वो यूज करते हैं। हाउ मेनी टाइप रिलेशनशिप, 1-2 मैनी, 1-2-1 एंड 1-2 मैनी, ये 3 रिलेशनशिप है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब कार्डिनेलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, कार्डिनेलिटी हम ये करते हैं कि जो आपकी डायग्राम होती है उसके अंदर हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक एरिया मैनेजर एग्जांपल, असल में बेसिकली कार्डिनलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, हाउ मैनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इज रिलेटेड टू एन एंटिटी। एक एंटिटी के जो रिलेशन इंस्टेंसेज हैं वो दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेज के साथ मैच के, इंस्टेंसेज क्या होती हैं कि रिकॉर्ड, उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, कितने रिकॉर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक एरिया मैनेजर क्या है, तो उसका आखिर में बेसिकली क्या बने, टेबल बनेगा। तो एक अगर हम किसी हबीब बैंक की एग्जाम्पल लें तो उसमें कितने एरिया मैनेजर्स होंगे, लाजमी बात है बहुत सारे एरिया मैनेजर्स होंगे। अब उसमें ये देखना है कि एक एरिया मैनेजर जो है वो कितनी ब्रांचेस को मैनेज कर रहा है। तो एक एरिया मैनेजर एक से ज़्यादा ब्रांचेस को मैनेज कर रहा होता है, तो उसको हम क्रोफुट नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि एक एरिया मैनेजर, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक एरिया मैनेजर क्या करता है कि बहुत सी ब्रांचेस को क्या कर रहा होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक एरिया मैनेजर बहुत सी ब्रांचेस को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी के लिए मैनी के लिए क्या ये क्रोफुट नोटेशन होते हैं, ये इसको हम मैनी के लिए यूज करते हैं और इसको हम वन के लिए यूज करते हैं। तो ये कार्डिनैलिटी है। ठीक है, अगर 1-2-1 हो मतलब एक एरिया में, अगर ये रिलेशनशिप को भी शो करता है कि अगर 1-2-1 हो तो 1-1 लिखते हैं दोनों साइड पर, अगर 1-2 मैनी हो तो यहाँ पे 1 का साइन लिखते हैं और यहाँ पे मैनी का, अगर 1-2 मैनी हो तो यहाँ पे मैनी का साइन लिखते हैं और यहाँ पे भी मैनी के साइन लिखते हैं। तो इसमें हम कहते हैं क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन वन एंटिटी इज रिलेटेड टू एन अदर एंटिटी, कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कार्डिनेलिटी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है कि व्हाट इज मोडेलिटी। तो मोडेलिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हाउ मैनी, वो था ना हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज, ये होता है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज इज एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी। के मिनिमम नंबर मतलब एरिया मैनेजर क्या मतलब होता है, इसमें होता है या तो ऑप्शनल होता है या फिर मैंडेटरी होता है। लाजमी बात है कि एक मैनेजर जोन सा है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक मैनेजर जोन सा है, और इसका हम यहाँ पर नहीं बल्कि इसके आगे यहाँ पर मोडेलिटी होती है कि एक मैनेजर जोन सा है वो लाजमन क्या करेगा, ब्रांचेस को क्या करेगा, विजिट करेगा। ठीक है, और हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑप्शनल का, मतलब जिसमें हम वो सर्कल लगाते हैं। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि एक एरिया मैनेजर की ऑप्शन है कि वो किसी ब्रांच को विजिट करे या ना करे। अगर हमारे पास ये डायग्राम है कि एक एरिया मैनेजर ठीक है ऑप्शनल है कि वो कोई ब्रांच विजिट करे या ना करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो एक ब्रांच मैनेजर है वो लाजमन ब्रांचेस को क्या करेगा, विजिट करेगा ही करेगा। तो ये हमारे पास होती है मोडलिटी। तो मोडलिटी क्या है कि मिनी हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ वन एंटिटी इज एसोसिएटेड टू एन अदर एंटिटी। तो ये इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन ये करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि स्टोर प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है कि वट इज स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस में हम क्या लिखते हैं, एक क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, क्यूरी के थ्रू हम क्या करते हैं कि डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि स्टोर प्रोसीजर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर की एक है डेफिनेशन। स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है कि एक ही क्यूरी को अगर मैंने बार बार लिखना है, एक ही क्यूरी को बार बार चलाना है, तो मैं उसका क्या करता हूँ, उस क्यूरी को सेव कर लेता हूँ। जब उस क्यूरी को सेव करता हूँ
तो बस उसी क्यूरी को बार बार चलाते रहते हो। स्टोर प्रोसीजर लिखने का क्या तरीका है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज और कोई स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिखनी है, वो लिखो गो करो तो वो स्टोर प्रोसीजर क्या बन जाएगा। अब दोबारा जब उसने चलाना है उसको एग्जैक्ट स्टोर प्रोसीजर नेम लिख दो तो वो स्टोर प्रोसीजर चल जाएगा। तो बेसिकली आप उससे कहते हैं कि स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या होते हैं कि वी क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर बिकॉज इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ सेम क्यूरी नंबर ऑफ टाइम वी क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर ऑफ दैट क्यूरी। ठीक है, उस क्यूरी का हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस स्टोर प्रोसीजर को बार बार चलाते रहते हैं तो वो क्यूरी बार बार चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टोर प्रोसीजर है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको स्टोर प्रोसीजर बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये क्रिएट कर लिया, क्रिएट प्रोसीजर और आगे प्रोसीजर का नाम। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं रखता हूँ PRO1। ठीक है, या PROCEDURE प्रोसीजर 1। ठीक है, इसका मैंने नाम रख लिया जी PROCEDURE1, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में यूज़ करें। अब यहाँ पे लिखनी है SQL स्टेटमेंट। तो SQL स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल समझा रहे, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम से LARY सैलरी टेबल। अब ये क्या क्यूरी है बेसिकली कि ये सैलरी टेबल में से पूरा रिकॉर्ड हमें शो कराएगी। मैं इसको यहाँ पे PROCEDURE1 इसका नाम लिख दिया, एग्जीक्यूट क्यूरी, कमांड कम्प्लीट सक्सेसफुल, इसका मतलब वो कह रहा है जी आपका ये स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब मैंने दोबारा दोबारा इस क्यूरी को चलाना है, मैं क्या लिखूंगा, EXAC एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ख्याल में क्या स्पेलिंग थे इसके, EXEC, सॉरी EXEC एग्जैक्ट, और उस प्रोसीजर का नाम मैंने क्या रखा, मतलब PROCEDURE1। अब देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ वही वाला रिजल्ट है, दोबारा दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें वही वाला रिजल्ट आ रहा है। तो एक क्यूरी थी जिसको मुझे बार बार चलाने की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने क्या कहा, मैंने उसको एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया। ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर है कि जिस क्यूरी को मैंने बार बार चलाना है उस क्यूरी को मैं क्या कर लेता हूँ, उस क्यूरी को मैं इधर ही डेटाबेस में सेव कर लेता हूँ और फिर उसके नाम से उसको कॉल करता रहता हूँ तो वो क्यूरी चलती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। अच्छा जी, आगे क्या क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज ट्रिगर, ट्रिगर क्या है। तो ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, ट्रिगर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ट्रिगर एक क्या होता है, ट्रिगर बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है डेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ DML कमांड एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, या डेटाबेस में हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं, या हम डेटाबेस में कोई चीज़ डिलीट करते हैं, तो उस वक्त ये जो कोड होता है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो ट्रिगर है। ट्रिगर बेसिकली कोड होता है जो कि डेटाबेस में लिखा होता है, और जब भी हम डेटाबेस में कोई क्यूरी चलाते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो वो कोड चलता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो ट्रिगर है। ठीक है, तो बेसिक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी डेटाबेस में क्या होती है। तो ये बेसिकली ए से बनता है एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, और डी से ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी क्या चीज़ होती है, एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं या कोई क्यूरी चलाते हैं तो वो मुकम्मल चलनी चाहिए, ऐसे ना हो कि वो पार्शली चले। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो अपने एच, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त को कोई पैसे भेजने हैं। ठीक है, आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जनाब आप जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करने लगते हो तो आपके बैंक से तो पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके दोस्त के बैंक में अगर वो वहाँ पे डिपॉजिट होने हैं तो वहाँ पे वो जो ऐड होने थे वो नहीं हुए, आपके अकाउंट से तो डिटेक्ट हो गए लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ऐड नहीं हुए। तो अब क्या हो, आधा काम हुआ और आधा काम नहीं हुआ। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि ये एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक ही काम मुकम्मल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, मैं एक अपडेट करता हूँ रिकॉर्ड का, यहाँ पे एक रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अली है तो अली की जगह मैं लिखता हूँ सना, और मैं जेंडर को भी अपडेट करूंगा, लाजवाब मेल से फीमेल कर रहा है। अब बात क्या हुई है कि जब मैंने अपडेट ऑपरेशन किया है तो नाम तो सना अपडेट हो गया है लेकिन जेंडर जोन सा वो अपडेट नहीं हुआ, आधा काम हुआ और आधा नहीं हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा डेटा इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नाम जोन सा वो सना है और जेंडर उसका मेल आ रहा है। ठीक है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम खत्म करने के लिए तो एटॉमिसिटी का इंश्योर करता है हमें कि मैंने अगर अपडेट किया है तो वो मुकम्मल अपडेट होगा, वो पूरी क्यूरी चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो फिर कोई क्यूरी, पूरी क्यूरी जोन सी है वो नहीं चलेगी। तो ये होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन क्या चीज़ है कि या तो एक काम होगा या एक काम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि आधा काम हुआ और आधा काम नहीं हुआ। तो एटॉमिसिटी ये चीज़ इंश्योर करती है। कंसिस्टेंसी पे बाद में आता है आइसोलेशन।
आइसोलेशन का क्या मतलब है कि आपकी क्यूरी बिल्कुल, अब देखो एक टाइम में अगर बैंक की एग्जाम्पल है तो एक टाइम में बहुत सी जो उनसे वो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं बैंक्स में, तो आइसोलेशन क्या प्रोवाइड करता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही क्यूरी जोन सी है वो हमारे मतलब जैसे बैंक्स में चले। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट है, ठीक है, एक अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल 123, ठीक है, एक अकाउंट है जो क्या है जनाब 123 अकाउंट है, ठीक है। अब इसको अब एक बंदा यहाँ पे कोई डिपॉजिट इस अकाउंट में करा रहा है, ठीक है, और एक बंदा जो उनसे इस अकाउंट से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ डिलीट कर रहा है, जो अब वो क्या आइसोलेशन क्या डिमांड करती है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसमें अगर एक पहले क्यूरी आई है मतलब कोई इस पे ऑपरेशन होना है तो पहले इस पे ऑपरेशन होगा और फिर जो दूसरी क्यूरी आई है फिर वो इस पे ऑपरेशन, ऐसे नहीं होगा साइमल्टेनियसली, नहीं हो सकता कि दो एक ही दफ़ा अपडेट भी हो जाए या अकाउंट और डिलीट और इसमें से मतलब कोई अपडेशन भी हो जाए कोई डिलीट भी हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। एक क्यूरी पे एक वक्त में एक ही काम होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब होते हैं कि अगर एक रिकॉर्ड को आपने चेंज कर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड था उसका अकाउंट नंबर था 123, आपने कहा इसको अपडेट किया, आपने उसका अकाउंट का नंबर कर दिया 12, अच्छा चलो 123 था, उसके अकाउंट में पैसे थे फॉर एग्जाम्पल 20,000, 20,000 के बाद उसने पैसे निकलवाए तो बाद में हो गए उसके 50,000, अपडेट कर दिया रिकॉर्ड। अब वो क्या ड्यूरेबिलिटी का कहता है कि एक दफ़ा आपने चेंज कर दिया तो बाद में हमेशा इसकी चेंजिंग क्या रहनी चाहिए, सेम। ऐसे नहीं हो कि एक दफ़ा आपने कोई रिकॉर्ड चेंज किया अपडेट किया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्ड वापस चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक दफ़ा चेंज कर दिया तो वो चेंज कर दिया, वही चेंज रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि हमारा जो डेटाबेस हो कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई रिडंडेंसी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हमारे डेटाबेस ऑटोमिसिटी है, आइसोलेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, तो वो लाजमी ऑटोमेटिकली क्या भी है, कंसिस्टेंट भी है। तो ये हमारे एसिड प्रॉपर्टी होती है तो जो लाजमी फुलफिल करनी चाहिए हमारे किसी भी डेटाबेस को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वीयू मॉडल, तो बच्चों यूनिवर्सिटी का जो मॉडल होता है उसको हम क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है, या वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये हमारे पास वीयू प्रोसेस मॉडल, अच्छा मैं बोलता हूँ वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, पानी ऊपर से गिर रहा होता है ना, वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, पानी गिर रहा है। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले SRS बनाते हो, SRS के बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम क्या कहते हैं उनके बाद डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद फिर उसकी जो सी टेस्टिंग होती है। और फिर अगर कोई जगह पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपने सारे फेजेस कंप्लीट करने हैं, फेज कंप्लीट करने के बाद देन कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर दोबारा शुरू से जाना है SRS डिज़ाइन और फिर इस तरह सारा काम करना। लेकिन देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता, हमारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि सबसे पहले SRS मॉडल होता है, उसके बाद हम डिज़ाइन फेज में जाते हैं। डिज़ाइन फेज में अगर वो SRS में कहते हैं जी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा हम SRS में जाते हैं, पहले उसको ठीक करते हैं, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आते, फिर टेस्ट फेज में जाते हैं। टेस्ट फेज वन, जब तक टेस्ट फेज वन आपका क्लियर नहीं होता आप आगे नहीं जा सकते। अगर टेस्ट फेज वन में अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर दोबारा डिज़ाइन फेज में वापस आते हो, फिर दोबारा टेस्ट फेज आप देते हो, फिर डेवलपमेंट, फिर हर फेज में देखें बराबर जा रहे हैं। जहाँ पे भी कोई इशू आ रहा है आपको बैक पे वो भेज सकते हैं जी आप ये इशू आ रहा है पहले इसको ठीक करके लाएं देन आगे आप चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वीयू जो मॉडल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मॉडल है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में तो जब तक एंडरिंग हो जाता उस वक्त तक हम दोबारा SRS में जाते नहीं है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता, पहले SRS होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, अगर SRS में कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा आप SRS में जाते हो, पहले उसको कंप्लीट करते हो फिर आगे जाते हो। तो इस तरह करके हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वीयू प्रोसेस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वीयू जिस तरह हमें गाइड करती है हमने उसी तरह अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो ये थे जी आपके जो डेटाबेस से रिलेटेड तकरीबन क्वेश्चन थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अगर कोई और भी मेरे माइंड में अगर और भी क्वेश्चन आए तो मैं नेक्स्ट इस वीडियो के एंड पे आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसमें और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो प्रेजेंटेशन में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर जाके आप सारे मेरे डायग्राम्स को एक्सप्लेन किए हुए वहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक भी करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।